तरीक सवेरे 11 बजे गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा महला गोबिंदगढ़ तो आरंभ होंगे, जो कि पुरातन रूट तो होंदे हुए शहर की परिक्रमा करते हुए शाम को गुरद्वारा दीवान स्थान सेंटर टाउन विखे समाप्त होंगे। संगतां दे चरणों च बेनती है, कल 5 बजे तो बाद भाई अमृतपाल सिंह जी भी इस नगर कीर्तन में शमूलियत करनगे, और भी बहुत धार्मिक जड़े संत समाज के जो महान पुरश हैं वह भी इस नगर कीर्तन के शमूलीयत करे। सारिया संगतों के चरणों के प्रबंधक कमेटी वालों, प्रधान जी सर मोहन सिंह जी ढींसा के समूह मैंबर वालों, सिंह सभावान के समूह नुमाइंदियों वालों आप जी सारे बेनती है कि पालकी साहब के पिछे नगर कीर्तन के पैदल चलद हो अपना जिन्ना भी वध तो वध समा दे सकते हो आप जी दो और अपना जीवन सफला करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा। सर रूट केड़े केड़े होणगे तुहाडे इहदे? जिहड़े रूट हैं जी वह गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा महला गोबिंदगढ़ तो आरंभ होएगा, उस तो बाद रेलवे रोड, रेलवे रोड तो यह मंडी के विचों की जी पुरानी दाणा मंडी है वो विचों हो के गुरद्वारा दीवान हसन सेंटर टाउन, मिलाप चौंक, फगवाड़ा गेट, भगत सिंह चौंक, खिंगरा गेट, अड्डा हुशियारपुर तो बाद माई हेरा गेट तो सीधा पटेल चौंक तो बस्ती अड्डे तो ज्योति चौंक तक, ज्योति चौंक तो अंदर रैनक बाजार, नया बाजार, मिलाप चौंक तो होंदे हुए शाम नू रात नू गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंटर नू विखे समाप्त। मैसेज तुहाडा पूरी साध संगत नू? असीं साध संगत नू हमेशा यही सुनेहा लाने आ, हुण भी यही कहांगे, जो गुरु घरां दे असूल हन, गुरु घरां दे सिस्टम हन, गुरु साहब दे उपदेश हन, उन्हां ते चल के अपना जीवन सफल करो। सब तो वड्डी इंसानियत है, उस इंसानियत की सेवा करो। धर्म भी बाद चो आएगा, इंसानियत पहला, इंसानियत की सेवा करो तो अपने धर्म के परिपक् रहो, किसी नीवा दिखाने की कोशिश ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।